नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। चाय की चर्चा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि चाय बन रही है, कुल्हड़ लगे हुए हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि हम लोग गोरखपुर में हैं, चुनावी गर्मी के बावजूद यहां की मौसम की शीतलता है, हवा में ठंडक है, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है और लोग आमतौर पर सुबह निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं, चाय की दुकानों पर खड़े होते हैं, बातें करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं। तो हम लोगों से ही जानेंगे कि इस वक्त गोरखपुर का क्या मूड है, सुबह सुबह क्या चर्चाएं चल रही हैं। आप एक बात बताइए, आपके हाथ में चाय है, सुबह क्या चर्चा चल रही है चाय के ऊपर? आमतौर पे लोग क्या समझ रहे हैं, गोरखपुर का क्या मूड है? गोरखपुर में तो इतना विकास है कि यहाँ पर तो एकदम विकास की गंगा बह रही है और अभी चुनाव का टाइम है और रवि किशन यहाँ पर उम्मीदवार हैं, कम से कम 5 लाख वोट से वो चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है आपका? सुधाकर यादव। तो इस जो जैसे अभी सिटिंग एमपी हैं, ठीक है, उनके सामने काजल निषाद हैं इंडिया गठबंधन से, तो किसी तरह कोई टक्कर है, आसानी से जीत जाएंगे? क्या मार्जिन का क्या लड़ाई होगी यहाँ पे? पिछली बार भी एक निषाद जी चुनाव लड़े थे रवि किशन जी के खिलाफ, मंत्री रहे, बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन 3.5 लाख, और इस बार काजल निषाद हैं, हमको लगता है और बुरी तरीके से ना हारे। आप एक युवा भी लग रहे हैं जी, तो आपके लिए प्रमुख मुद्दों में से एक रोजगार है, अन्य क्या मुद्दे हैं जो लग रहा है कि विकास कार्य नहीं हो, कुछ चीजें रह गई हैं, भविष्य में क्या मांगे हैं अपने सांसद? भविष्य में सांसद तो पहली बात हम लोग चेंज करने वाले, इस बार गोरखपुर में मूड बन रहा है, काजल निषाद को हम लोग चुनाव जिताएंगे और सदन भेजेंगे। रवि किशन चूंकि हमारे यहाँ से पूरी तरह से बाहरी हैं, वो बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ा सकती थी, बाहरी कैंडिडेट को बुला के चुनाव लड़ा रहे हैं गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है? उनका अधिकार नहीं है, वो केवल झंडा ढोएंगे बीजेपी का? अच्छा। वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? ठीक है, आपसे भी पूछ लेते हैं एक बार कि अगर वो बाहरी हैं तो जनता एक बार ऑलरेडी उनको मौका दे चुकी है, सिटिंग एमपी हैं, इस बार क्या लग रहा है, फिर से बाहरी हैं, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ये कार्ड है? मौका नहीं मिलेगा। आप बताइए इनके पास कोई चेहरा है? किस नाम पे वोट मांगेंगे? क्या इन्होंने किया है? मोदी जी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं देश में, 10 साल के शासनकाल में उपलब्धि नहीं बता रहे, मैंने किया क्या है? आप बताइए, सारे लोग त्रस्त हैं। आज स्थिति यह है कि यदि मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश का बच्चा जो बच्चा छोटा है वो शिक्षा के अभाव में दम तोड़ेगा, रोजगार के अभाव में दम तोड़ेगा। आज शिक्षा कहाँ किस स्तर पहुँच गया है, रोजगार किस स्तर पहुंच गया है? इनको 3.5 साल की नौकरी दिखाई दे रहा सेना में, यही इनका रोजगार है? इस तरह का रोजगार होता है क्या? यही अच्छे भारत की कल्पना है? आप बताइए, आज हर व्यक्ति कहर रहा है, क्यों कहर रहा भाई? दर्द तम न कहर रहा है? क्यों लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे प्रधानमंत्री? क्यों उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं धरती पर। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे मोदी जी क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? आप ये बताइए, चलिए ये बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है जो भारत, एक स्वस्थ भारत होना चाहिए, शिक्षा सस्ता होना चाहिए, आपका बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, स्वास्थ्य सस्ता होना चाहिए, जिससे एक आम आदमी का भी जो है लगे कि हम भारत के नागरिक हैं, उसको गर्व महसूस। आज बताइए, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, अमेरिका ऐसा देश माइंड खरीदता माइंड बेचता है, और हम कहाँ खड़े हैं? हम 33 करोड़ देवी देवता के बीच में खड़े हैं और केवल एक एक नाम वोट मांग रहे हैं। क्या धर्म के नाम पे वोट दे दो यार, कुछ करो तो यार। ठीक है, ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं किया भाजपा ने, फिर भी बता दें, यही लोग विपक्ष वाले एक नारा इन्होंने दिया था, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म पे ही मैं बात करूंगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे? धर्म का मुद्दा तो इन लोगों ने उठाया, आज जितना बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, एक मिनट, इनसे फ्लाइट, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जब इनसे फ्लाइट से इतने लाखों लाख बच्चे मर रहे थे, कितनी माँ की कोखे काल कवलित हो गई थी, कितने जो है घर जो है बेचारा टूट गया था, उस समय इनके मुंह बंद थे। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री है, वो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़े थे, और यही नहीं, उन्होंने लगातार इसको सदन में उठाया था, तब जाके कितने बच्चे हैं, बच्चों की जान बची, तब उस समय इन लोगों को स्वास्थ्य नहीं दिखाई देता था विपक्ष वालों को? आज नहीं, उस समय ये बताइए कहां लाशें थी? अरे इन लोगों की हालत वो है कि अच्छा है भारत में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। क्या इनका लोकतंत्र यही था विपक्ष में? आज समाज, आज विपक्ष
की बात कर रहे हैं, कितना एम्स इन लोगों ने बनवाया था, आज एम्स का जाके काउंटिंग कर लीजिए, कितने फर्टिलाइजर इन लोगों के विपक्ष वालों ने बेच दिया था, कितने फैक्ट्री बिक गए थे। आज आज हम वर्तमान सरकार की देन है, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, कितने आज वर्तमान सरकार की देन है, कितनी फैक्ट्री बन गई, कितने बेरोजगार रोजगार हो गए, इनको दिखाई दे देता है, रतौंधी हो गया इन लोग को, विपक्ष वालों को। क्यों ना गिना रोक रतौंधी हो जाएगा, आते हैं दूसरे लोग, दूसरे लोग पार्टी जाते हैं, अभी तक फर्टिलाइजर क्यों नहीं, ये बताइए, काजल निषाद और रवि किशन के बीच में लड़ाई है, दोनों ही भोजपुरी कलाकार भी रहे हैं, काजल निषाद का कहना है वो बाहरी हैं, ठीक है, रवि किशन को लेकिन जनता मौका दे ही चुकी है ऑलरेडी एक बार, और फिर लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में शायद मौका मिल जाए, क्या लग रहा है आप? सबसे पहले तो हमारे साथी ने कहा कि राम मंदिर बन गया, तो पहली बात तो आपको भी बता दें, ये अपने काम भरोसे वोट नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ इस बार राम भरोसे हैं, क्योंकि जानते हैं कोई काम किए नहीं तो किस आधार वोट मांगे, इसलिए राम भरोसे हैं, ये काम भरोसे नहीं। और दूसरी बात, काजल निषाद जी यहाँ की लोकल नेता है, 14 साल से निरंतर संघर्ष कर रही हैं, इनका बाहरी सांसद जिसको थोप दिया गया, जनता को गुमराह करके पिछली बार सांसद बना दिया गया, नहीं इस बार जनता भ्रम में नहीं आने वाली है, और इस बार सांसद गोरखपुर का चेंज होने वाला है, इनका इनका गोरखपुर की जनता, एक मैं बात कहना एक ऐड कर देना चाह रहा हूँ, देखिए जनता बेवकूफ नहीं होती, उसको गुमराह आसानी से नहीं किया जा सकता है, वोट देने की ताकत लोकतंत्र में है, सबको वोट ही सबसे बड़ी ताकत है, आप ये कहना चाह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना दिया, जनता बेवकूफ है जो इतनी वोट कर रही है, तो रहे कि पिछली बार थोप दिया गया, आपकी जनता गुमराह नहीं होने वाली, इनका इतना असंवेदनशील सांसद है जिसको गरीबों के पसीने से बदबू आती है, जो राजघाट पे जाता है कहता है यहाँ जलोगे तो बड़ा आनंद आएगा, इतना असंवेदनशील सांसद है जिसको काखा का कुछ मालूम नहीं, अगर उससे पूछ लिया जाए जिले में दाहिने साइड कौन, पूरब के समय पूरब के दिशा में कौन कौन सा मोहल्ला पड़ता है, पश्चिम में कौन सा मोहल्ला पड़ता है, उत्तर में कौन पड़ता है, दक्षिण कौन पड़ता है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको जानकारी है ही नहीं, ये कह रहे जानकारी नहीं है, बाहरी है, उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा, उनको थोपा जा रहा, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे रवि किशन जी को इसकी जानकारी, क्या इनके नेताओं को इसकी जानकारी है, इनके काजल निषाद को? रवि किशन जी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ काम किया, जैसा कि सैफई में होता था, यहाँ गोरखपुर महोत्सव होने लगा, देवरिया महोत्सव होने लगा, पिपराइज महोत्सव होना, कला और क्षेत्र के क्षेत्र में तरक्की हुई, ये नहीं है, ये तो एक खाली रवि किशन की है, और सांसद का जो एक मिनट, ये मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप जो बेरोजगारी के क्षेत्र में बात कर रहे हो, नहीं मेन मुद्दे से नहीं, मेन मुद्दे से आप अटका रहे हैं, आप लोग इधर से उधर की बात कर रहे हैं, लोगों को जब एसएसपी भैंस खोजते थे तब इन लोगों को बहुत सुशासन दिखाई देता था, आजम चाचा की भैंस जब एसएसपी साहब खोजते थे वो दिन इनको नहीं दिखाई दे रहा है, विपक्ष में गुंडे और माफिया थानों को चलाते थे, ना कि प्रशासन चलाता था, जो दो मर्डर करता था वो ब्लॉक प्रमुख होता था, जो 10 राइफल लेकर के घूमता था वो ब्लॉक प्रमुख होता था, आज आप दिखा दीजिए कोई 10 गाड़ी और 10 राइफल लेकर घूमता हो। कानून व्यवस्था में जो सुधार आया है उसके ऊपर क्या कहें? कानून व्यवस्था के सुधार की ये स्थिति है, एक कूड़ा बीनने वाले पे गंगेस्टर लगा दिया जाता है, एक दूध बेचने वाले पे गंगेस्टर लगा दिया, ये क्या गंगेस्टर का खेल कैसा कर रहे हैं लोग, ये गंगेस्टर का खेल कैसा क्या कर रहे हैं लोग, जिसको कोर्ट संज्ञान में लेती है, ये छोटे छोटे मामलों में गंगेस्टर लगा रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं को जेल में गंगेस्टर लगाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये लोग विकास की बातें करते हैं, एक मिनट, ये दूध बेचने वाला बोले हैं, ये बताएं मऊ मंडी में कितने दूध बेचने वाले जले थे जब दंगा हुआ था, तो ये बताएं 2007 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुख्तार अंसारी दंगा करवाया था, कितने दूसरी बात, और ये विकास की बात करते हैं, इनकी विकास लीला ये है, आप अभी 6 महीने बाद आएंगे दुकान आपको नहीं दिखेगी, ये विकास इनका हो रहा है, इनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, क्या वैकल्पिक, सारे दुकान मकान तोड़ दिए जाएंगे, 7 सालों से ये लोग रह रहे हैं, ये 60 सालों से 70 सालों से आ रहे हैं, दुकान जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा ये है, एक बड़ा मुद्दा ये भी ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, विकास कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी अगर कर रहे हैं तो दुकानें तोड़ रहे हैं, कितना देते थे ये बता ना, कितनी सैलरी देते थे, आज उसका 10 गुना सैलरी मिल रहा है, ये नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रही है लोग को, इनसे पूछे यहाँ पे तो मैनिफेस्टो फाड़ दिया जाता था खून, लेकिन हमारा तो मैनिफेस्टो पूरी दुनिया देख रही है, सत्ता का मैनिफेस्टो पूरी दुनिया देख रही है, क्या योजनाएं नहीं है महिलाओं के हित में, अल्पसंख्यक समाज के हित में, जो विकास की बात कर निश्चित
निश्चित तौर पर विकास हुआ है इनके सरकार में, राष्ट्रीय कर्जे का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है, जो डॉलर 60 रुपया था 83 रुपया पर पहुंच गया है। आप पे जो कर्जा 2014 में 40,000 रुपया था, 1,46,000 प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है, यह विकास है इनका, यह विकास की है। हम लोग गोरखपुर में है, पिछले 10 साल में 15 साल में आप लोगों की उम्र के हिसाब से लग रहा है कि आपने कई सरकारें देखी होंगी, तो यहाँ पे जो सड़कें हैं, इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, विकास के जो काम हैं, योजनाएं हैं, क्या यहाँ नहीं कुछ काम हुआ है? सरकार देखिए, सरकार ये अगर ये टूट जाएगा, इनकी व्यवस्था क्या कर रहे हैं, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ना, ये नहीं तो विकास चाहिए तो जनता को, जनता को मार दीजिए, लुटा दीजिए, करेंगे विकास। युवाओं से बात करते हैं, युवाओं से कुछ बात करते हैं, इधर युवाओं से बात करते हैं, ये बताइए कि आप लोग नए हैं, आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या मांग है एज ए युवा, बताइए, क्या सबकी तरह रोजगार की ही मांग है कि और कुछ भी सोच रहे हैं? रोजगार की तो मांग नहीं है, अगर आप शिक्षित वर्ग से आते हैं तो आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इन लोगों को बताइए, इन लोग कह रहे हैं कि रोजगार, तकलीफ उसको है जिसका दाल नहीं गल रहा है, बस इतना जानिए, तकलीफ उसको है जिसका दाल नहीं गल रहा है, बस। गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है। रामगढ़ ताल में, रामगढ़ ताल में जलकुंभी केवल दिखाई देती थी, आज आप जाइए वहाँ का नजर एकदम नजारा बदल, पेशाब करने आते थे, आज लोग गोरखपुर में तो लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। मैं ये बात पहले पूछ लो इनसे, इनको कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई है तो जरूरत नहीं है, तो क्या मांगे हैं सरकार से? और ये सुनिए, और रवि किशन को जो लोग बता रहे हैं कि एक तो सिटिंग एमपी हैं वो, पर ये तो कह रहे हैं कि बाहर के हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं है। रवि किशन तो यहाँ का ऐसा कौन सा भोजपुरी सुपरस्टार होगा जो यहाँ पर रह करके कार्य करता होगा, अपने बिजी शेड्यूल से जनता के लिए भी समय निकालता होगा, ऐसा सांसद कभी हमने देखा नहीं था। मान लीजिए यही बात, उन्हें हीरो कहा जाता है, वो हीरो है, हीरो रहेंगे, उनको राजनीति से भी सेवा करनी है, जो जनता के बीच में रहते भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि रवि किशन गोरखपुर से बाहर रहते होंगे, वो परमानेंट है, 24 घंटे में से 12 घंटे जनता की सेवा के लिए गोरखपुर में भी उपलब्ध रहते हैं। तो मतलब लोग आरोप लगाते थे कि वो हीरो है, जीत जाएगा, बंबई चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा, जब रवि किशन जी 5 साल यहाँ दिखाई दिए हैं तो अब ये लोग बाहर ही बना रहे हैं, और इन लोग को बता दीजिए रवि किशन मामखोर के रहने वाले हैं, मामखोर यही गोरखपुर जिले में नहीं गांव है मामखोर। आपको कितनी बार रवि किशन दिखाई दिए गोरखपुर में? आप गोरखपुर में रहते हैं, आप गोरखपुर में रहते हैं, घर पर मिलवा दे भाई, अभी इतिहास गवाह, लोकतंत्र में जब जब ये लोग विरोध किए हैं, और ये सच्चाई भी है, जब जब जो है विरोध और आलोचना होता है, तब तब जो है वो क्या नाम है, खामियाहार का खामियाजा जो है विपक्ष वाले, हिंदुस्तान है जिसके जहाँ पे लोकतंत्र को रखवाली करने वाले न्यायाधीश 55 न्यायाधीश आ कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। संविधान पे आ जाते हैं, न्यायाधीश वाली बात, संविधान खतरे में है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनके ऊपर ऐसा कोई भविष्य, उन चीफ जस्टिस का एक बयान आपने सुना होगा हाल ही में, उन्होंने बोला कि अभी तक पिछले कई सालों में कोई ऐसा बयान हम लोगों के ऊपर नहीं बनाया जाता जिस वजह से हमारे दिए गए फैसलों पे असर पड़े, तो न्याय पे तो कोई दबाव नहीं है? न्याय पे दबाव बना रहा जा रहा है, न्याय पे कैसे कोई दबाव बना दिए, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जज साहब, ये स्थिति है, जज साहब अपना निर्णय खुद लेके पा रहे हैं। मेरे भाई बहुत विकास की बात कर रहे हैं, मेरे भाई को नहीं मालूम, इस पे ऊपर भी 1,46,000 कर्जा है, इसके बच्चा जो पैदा हो रहा है उस पे 1,46,000 कर्जा लेकर पैदा हो रहा है, इसको ये नहीं मालूम है, जो कर्जा 1947 भारत देश पे 1947 से लेकर 2014 तक 57 लाख करोड़ था, वो 2014 से लेकर 2024 तक 1,83,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया, और लोग भी बताऊंगा, पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं, हाथी पंजा, हाथी पंजा और साइकिल छोड़ो, पूरे देश में कमल के फूल खिलाने लगे हैं। बताइए हिंदुस्तान में सारी सुनिए, सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, यही विकास है? चलिए कह रहे हैं संस्थाओं को बेचा जा रहा है, विकास है? और लोगों को कह रहे हैं कि संस्थाएं बेची जा रही हैं, यही विकास है? ऐसा कुछ नहीं है, संस्थाएं नहीं है, इनके ऊपर भी वजह से सबको बोलने का मौका देते हैं जाती तो फर्टिलाइजर आज 25 साल बाद चालू नहीं होता, एम्स चालू नहीं होता, और लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबको जो है सरकारी सरकारी नौकरी को रोजगार लोग मानते हैं,
सरकारी नौकरी को लोग रोजगार मानते हैं और जो है प्राइवेट जॉब को जो है उसको रोजगार नहीं मानते हैं। कितना रोजगार दिया है? आगे बढ़ा है अमेरिका, आगे बढ़ा है क्या? अमेरिका की बात कर रहे थे अभी, अमेरिका क्या सरकारी नौकरी पे आगे बढ़ा है? ये बिजली घर की बात करते हैं, मुलायम सिंह के समय में तीन तीन बिजली घर भी थे। रोजगार के मुद्दे पे सीधी सी बात है कि रोजगार, रोजगार किस तरह का चाहिए? सरकारी नौकरी ही चाहिए? इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि आर्मी में, आर्मी में 3.5 साल का टेंडर हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उसमें से 30% तो लंबी लंबी उम्र के ले जा रहे हैं, जो उसमें अच्छा रहे उसमें अच्छे होंगे। आप बताइए, सुनिए, हम तमाम मुद्दे हैं, पहले आप युवा हैं, आप रोजगार करते हैं, नौकरी है ना? बिल्कुल। तो क्या, अगर आदमी शिक्षित है तो कहीं कमा लेगा, अगर शिक्षित नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। और रही बात चुनाव की, आज 1 जून के बाद देखिएगा 4 तारीख के बाद गोरखपुर का क्या हाल होगा। जितने भी पक्ष लोग हैं फिर वही बिल में घुस जाएंगे, फिर नजर नहीं आने वाले हैं कोई वही रोजगार। और 5 साल गोरखपुर का फिर हाल देखिएगा, गोरखपुर फिर कहाँ से कहाँ जाने वाला है। बात एक सिंपल सिंपल भी एक बात में एक बात की बस जानकारी चाहिए, मैं आपको बता दूं, इनके पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। 6 मुद्दे हैं केवल, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। ये 6 मुद्दे अगर ये छोड़ दे तो ये किसी मुद्दे पे वोट मांग ही नहीं सकते। वो इनको दिखाई दे रहा है, लेते हैं कोई मुद्दा नहीं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? हम मुद्दा ही नहीं है, इतना विकास हुआ गोरखपुर में, मोतिया भी हो गई है, इससे पहले इनको मालूम ही नहीं है, ऑपरेशन कराए इनको, कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है इनको। पहली बात तो शिक्षा के, मैं शिक्षा, इनका शिक्षा की जवाब दे रहा हूँ। आज के डेट में जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हर एक गरीब का बच्चा, ठीक है, आरटीआई से अच्छे कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता है बच्चा, किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में आप फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भरिए, आप ही कर्जा बांट रहे हैं। 1 से लेके 8 तक के, नर्सरी से लेके 8 तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और कापी किताब भी मिलेगा। पूछ रहे अभी है कार्यक्रम में, सवाल पूछूंगा सबसे। जो रोजगार की बातें ये लोग कर रहे हैं, एक मिनट, जो रोजगार की बातें कर रहे हैं, 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि 2 करोड़ पर साल हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां होती है। कितनी नौकरी दी उस मैनिफेस्टो में? क्यों नहीं डाला कि चाय बेचना, पकौड़ी बेचना, बीटेक एमटेक करके पकौड़ी बेचो और डॉक्टर की डिग्री लेके चाय बेचो, ये भी रोजगार है, रोजगार है। 20 करोड़ नौकरी दे पाए इनको पूछिए, कौन सा डॉक्टर पकौड़ी बेच रहा है? नौकरी की बात कर रहे हैं, शिवपाल चाचा की पर्ची आती थी, शिवपाल जी जब पर्ची भेजते थे थोड़ा अपने मेन पकौड़ी, कौन सा डॉक्टर पकौड़ी बेच रहा है? अरे भाई डॉक्टर, अरे धीरज भैया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। पूछ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, मैं आ रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ भी हैं, ये आप बताइए पहले, आप लोग क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं। आप लोग जो, हाँ ठीक है, तो आप लोग जो ठेला चलाते हैं, आप लोग अपनी कम्युनिटी में भी बातचीत करते होंगे, क्या लग रहा है कि आप लोग किसको वोट देंगे इस बार, किसका माहौल है? किसका माहौल अभी बता सकते हैं? किसको वोट देना चाह रहे हैं, किस पार्टी को? कुछ है, कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? है अभी नहीं कुछ खुलिया, मैं सीधा वोट दे देंगे, बताएंगे नहीं? नहीं, आपको बताना है जी। कमल, कमल को वोट देंगे? किन चीजों से संतुष्ट हैं? अच्छा है, सब कुछ है, व्यवस्था हर चीज टाइट है, माहौल भी अच्छा है, इससे अच्छी क्या चाहिए? हम तो चाहे हमेशा सरकार यही रहे, यही कहूँगा। तो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि काजल निषाद आना चाह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम भाई यहीं के हैं, बाहरी को मत वोट दो, क्या कहेंगे? देखिए बाहर के लोगों से कोई देना नहीं है भाई, हम लोग को रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार बने, बीजेपी। आप क्या करते हैं? हम पढ़ लिख कर, हम भी हेल्पर का काम करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? अब डिग्री हम नहीं बताना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन ठीक है डिग्री नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारों से क्या मांगा? अच्छा मांग बता दीजिए भाई। हम देखिए युवाओं को रोजगार चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार चाहिए। हाँ, ये 5 किलो 10 किलो राशन वासन से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार चाहिए। क्लियर, यहाँ बात है भाई, राशन वासन से कुछ लोगों का कहना है कि उससे मतलब नहीं, रोजगार चाहिए। आपको भी यही सेम है? नहीं, जो सर मेरा बहुत बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी सरकार है और सरकार रहेगी। लोग कुछ और व्यवस्थाओं से भी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार?
क्या मांग है, कौन सरकार आ सकती है, किसको वोट दें, कुछ बताइए। हम तो भाई भाजपा ही हैं, बट भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हमको अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार चाहिए, ये तानाशाही की सरकार नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या तानाशाही हो रही है? तानाशाही हर चीज में है, शिक्षा नीति जो नहीं आई, हम यही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 2900 रुपया फीस दे करके आज 8000 रुपया फीस दे रहे हैं। क्या शिक्षा नीति है ये? क्या शिक्षा नीति है? हम अग्निवीर बने, हमारे घर में बाबा से दादा से लगा करके जो है कि आर्मी में थे, आज हमारे घर के लड़के अग्निवीर के नाम पे नहीं जा रहे हैं। लोकसभा जीत करके जीवन भर पेंशन लेंगे, हमारे बच्चे जो है, हमारे भाई जो है कि आज 4 साल के लिए जाएं, मर भी जाएं तो कुछ नहीं मिला, क्या फायदा? भाई साहब 21 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपना इतिहास बना लिया, इतिहास बनाते रहेंगे, इतिहास बनाते रहेंगे। आपसे पूछते हैं, ये लोगों के पास तमाम मुद्दे हैं, तमाम अग्निवीर योजना जो है, जो सेना कम, बिल्कुल सेना कमजोर होगी उससे, जब उनको अनुभव ही नहीं मिला तो क्या लड़ाई लड़ेंगे। पर सरकार तो कह रही है कि अग्निवीर योजना में जो प्रावधान और जो भी चीजें ला रहे हैं उसकी गलत जानकारी जनता तक पहुंच रही है, वैसे उनकी नीयत नहीं है, क्या पूरी जानकारी है आपको? सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल आपको पता चला कि अग्निवीर खराब योजना है। आखिर 4 साल में क्या, कौन सी लड़ाई आप लड़ लेंगे बताइए? 4 साल ये ना कौन सी तैयारी हो जाएगी? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ, आपको सीखते ही जब तक सीखेंगे तब तक रिटायर हो जाएंगे, तो कैसे काम आगे होगा? बेटी का शादी करेगा सर? सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए आई है, 4 साल बाद उसमें से जो 30% है वो लंबी उसमें चले जाएंगे, प्रमोशन होगी उनकी, बाकी 70% उसमें से रिटायर होकर आएंगे। इस तरह देश के चलते हुए आम एक एक घर में एक एक फौजी होगा, कभी अगर देश को लड़ाई लड़ाई की नौबत आ गई। कितने फौजी हो रहे हैं आप, कितने अग्निवीर पैदा कर रहे हैं? मेरे पिताजी खुद भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं। अरे यार मेरी उम्र ही थी, मेरा बच्चा अभी ना 15 साल का है और एनडीए का फॉर्म भरा हुआ है, आज नहीं तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं तो खुद बनाऊंगा। आइए आप लोगों से भी कुछ सवाल पूछते हैं, सुनिए। इस बार जैसे अब एक भीड़ से हटके आपसे पूछे, क्या करते हैं? हम PWD जॉब करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, ये जो इतनी मांगे उठ रही हैं कि तमाम काम हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि काम खराब हुए हैं, देश के खिलाफ हुए हैं, क्या लग रहा है? जैसे ये लोकल है तो CM City है, तो CM City के ऑब्वियस जो जनरल काम होते हैं CM के राज में होंगे ही, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे नहीं है, जो नेचुरल हर CM के सिटी में जो काम होता है वो सब जगह हो रहा है, ठीक हुआ है। हाँ, अब इतने समय से तो भाजपा की सरकार है, हट के और जगह के बारे में तो नहीं बता सकते ना, मगर जैसे यहाँ एजुकेशन के मैटर पे अभी IIT नहीं है, IIM नहीं है, एम्स में रहते हुए यहाँ के लोकल के लोग PGI KGMC जाके इलाज करा रहे हैं, तो एम्स का वो वैल्यू तभी बढ़ेगा जब दिल्ली के और अन्य PGI KGMC ना जाके लोग यहाँ पे इलाज कराएं। और ये भी जानने में मिला है कि जो फर्टिलाइजर खुला है तो वहाँ के लोकल लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं मिला है, तो लोकल रोजगार नहीं है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपसे हम लोग बात कर लेते हैं, एक बात आप ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पढ़ा लिखा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं तो मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा पढ़ लिख लेगा तो मिल जाएगा, जो पढ़ा लिखा है उसको मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर खराब योजना है, काम नहीं हुआ है कुछ, तो इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव दिया? अग्निवीर खराब योजना है भैया, 21 साल का मनाई रिटायर कर दिया जाता, 63 साल का मनाई देश चलावाता, तो अग्निवीर खराब है। और जो पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं आप, तो हम लोग का अनपढ़ है बताइए, तो हमारी 32-33 साल उम्र है, आज से क्या नाम है 10 साल पहले हम 22 साल के थे, 22 साल में के बाद जो हमारी उम्र बची वो BJP ले ली, अब जो है हम सपा का झंडा ढो रहे हैं, सपा से उम्मीद है भैया हमारा तो जीवन ले लिया ना, अब हम लइकन बच्चन भाई प्रधारण का जीवन न ले। तो आप क्या काम करते हैं? अग्निवीर के जो 70% जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर दोबारा नौकरी भी मिल रही है, बैंकों में जाके देखिए, बैंकों में जाके देखिए, आप सफाई में जाइए, आप सिंचाई में बताइए, जब शिवपाल चाचा की पर्ची आती थी पूर्वांचल के लड़के दौड़ते थे और पश्चिम के लड़कों की भर्ती होती थी तब नहीं छपा ली थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि माहौल काफी गर्म हो गया है, चाय की चर्चा में हमने कई मुद्दों पे बात की जनता से, कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, देख रहे कुछ लोग भड़के भी हुए हैं,
कुछ कामों से नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं। जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं पीछे। एक मिनट, यह देश केवल एजेंसियों के बल पर चल रहा है। मोदी जी के पास खोखला है, मोदी जी के पास अपना कोई वह नहीं है कि मतलब मैनिफेस्टो में कुछ हो, उनका कोई दम नहीं है। कुछ नहीं, मैंने समझ लीजिए, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, एक डाल पे उल्लू एक डाल पे तोता, जनेऊ घूम लपेट कर घूम रहा फिरोज खान का पोता। इनसे जब आप कहेंगे साहब आपने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था तो जानते क्या कहेंगे, मंदिर वही बना दिए। भारत एक्सप्रेस।